हमारे चैनल पर, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के चोटिल होने पर जो राजनीति टीएमसी की तरफ से खेली जा रही है उसको लेकर अब इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी को करारा जवाब दिया है। तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी के नेता पार्थ चटर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री पर सवाल उठाए हैं। सबसे पहले बात इलेक्शन कमीशन की करेंगे। इलेक्शन कमीशन में टीएमसी के नेता पहुंचे थे शिकायत करने। दरअसल ममता बनर्जी जो चोटिल हुई थी उसको लेकर टीएमसी लगातार बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा रही है, लेकिन वही टीएमसी की खुद पोल उनकी ही पुलिस खोलती नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी टीएमसी के नेताओं के बोल बदलते नजर नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पहुंचकर टीएमसी ने ना सिर्फ बीजेपी बल्कि इलेक्शन कमीशन पर ही बड़े आरोप लगाए हैं, जिसका करारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी को दिया है। इलेक्शन कमीशन ने यह साफ तौर पर कहा है कि जो भी आरोप इस चिट्ठी में लगाए गए हैं टीएमसी की ओर से वो निराधार है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दरअसल इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल की शासन व्यवस्था पर कब्जा कर लिया हो। यह बड़ा आरोप टीएमसी की ओर से इलेक्शन कमीशन पर लगाया गया था, जिसका जवाब अब इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी को दिया है। आपको बता दें, लगातार ममता बनर्जी की चोट पर राजनीति खेलने का काम टीएमसी की ओर से किया जा रहा है, बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हाल ही में इलेक्शन कमीशन में पश्चिम बंगाल की पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ जो कुछ भी हुआ दरअसल वो अटैक नहीं था बल्कि एक्सीडेंट था। बावजूद इसके टीएमसी के नेता, फिर चाहे वो स्वागत राय हो या पार्थ चटर्जी हो, लगातार बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं और अब इलेक्शन कमीशन पर ही लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया है। दरअसल 3 सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने कोलकाता में इलेक्शन कमीशन में यह शिकायत ममता बनर्जी की जो घायल हुई है उसको लेकर दर्ज कराई थी। इसके अलावा एक चिट्ठी भी इलेक्शन कमीशन को सौंपी गई थी, जिसका जवाब अब इलेक्शन कमीशन ने दिया है। चुनाव आयोग ने यह साफ तौर पर जवाब देते हुए कहा है कि दरअसल टीएमसी की तरफ से कई सारे आरोप इस चिट्ठी में इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए हैं और चुनाव आयोग ने यह कहा कि नंदीग्राम में जो घटना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुई वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया गया है कि राज्य की शासन व्यवस्था पर आयोग ने कब्जा कर लिया है वो पूरी तरीके से गलत है। इसके साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि इस घटना की तुरंत जांच कराए जाने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर तमाम आरोप लगाना सही नहीं है, यह संस्था किसी भी तरह की इस घटना का समर्थन नहीं करती है। तो अभी तक बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन को भी टीएमसी घेरती नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन पर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी थी, लेकिन चुनावों की घोषणा के बाद कानून व्यवस्था निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बन गई है। तो ये तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसका बखूबी जवाब इलेक्शन कमीशन की ओर से दिया गया है। वहीं बीजेपी के तमाम नेता भी ममता बनर्जी के साथ हुई इस पूरी घटना को लेकर ये दरअसल मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये तमाम झूठे और निराधार आरोप टीएमसी की ओर से लगाए जा रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने हॉस्पिटल से अपना जो बयान जारी किया है उसमें उन्होंने ये अनुरोध किया है कि दरअसल टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा कि दरअसल उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है अपने इस बयान में कि वो गाड़ी के जो दरवाजा है उस पर खड़ी हुई थी और अचानक से उन्हें धक्का लगा है। यानी पहले जो तमाम आरोप टीएमसी ममता बनर्जी की ओर से ये लगाए गए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं वहां नंदीग्राम की जनता ने ही इस चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें धक्का दिया है, उसके बाद वो चोटिल हुई हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं बयान भी बदलते नजर आ रहे हैं, लेकिन टीएमसी के नेताओं के सुर नहीं बदल रहे हैं। चूंकि एक कड़ा मुकाबला बीजेपी ने नंदीग्राम सीट पर टीएमसी को दे दिया है, शुभेंदु अधिकारी वहां से नामांकन उन्होंने दाखिल कर लिया है, एक कड़ा मुकाबला होने वाला है, इसको लेकर हार का डर ममता बनर्जी को सता रहा है, ये साफ तौर पर बीजेपी की ओर से कहा गया है। और यही वजह है कि अब इस तरीके से उन्होंने ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा रचा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग ना सिर्फ चुनाव आयोग कर रहा है बल्कि बीजेपी भी ये कह रही है कि इस पूरे घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आरोप टीएमसी लगा रही है ये पूरी तरीके से निराधार है।
इस बीच पार्थ चटर्जी ने एक और बड़ा आरोप निर्वाचन आयोग पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल राज्य पुलिस के डीजीपी को हटा दिया गया और अगले दिन ही मुख्यमंत्री पर हमला हो गया, इसको लेकर भी निर्वाचन आयोग को घेरा जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने वीरेंद्र को बंगाल के पुलिस महानिदेशक पद से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया था और उनकी जगह नीरज नयन पांडे को नियुक्त किया गया था। और अब चुनाव आयोग ने भी इन तमाम आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि ये तमाम आरोप निराधार हैं। टीएमसी निर्वाचन आयोग को घेरने की कोशिश ना करे, वो भी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ जो ये घटना हुई है इसकी निष्पक्ष जांच हो। तो ऐसे में टीएमसी सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए जो ड्रामा रच रही है वो ड्रामा काम नहीं आएगा, यही न सिर्फ बीजेपी कह रही है बल्कि बंगाल में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी यही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की ओर से ये पूरा पाखंड रचा जा रहा है। लेकिन टीएमसी के नेता लगातार हमलावर हैं, चुनाव आयोग से लगातार उनके अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात जारी है, शिकायत दर्ज करा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में भी आज 6 टीएमसी सांसद इलेक्शन कमीशन से मिले हैं, जिसमें उन्होंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजी की जगह जो ली गई है उसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसको लेकर पार्थ चटर्जी का बयान सामने आया है। ना सिर्फ उन्होंने इस बात की जानकारी थी कि दरअसल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजी की जगह जो ली गई है उसके तुरंत बाद ये घटना हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की बनती है, ये उनके द्वारा कहा गया है। और ये चूक कहां हुई है, क्यों ममता बनर्जी के साथ ये घटना हुई है, इसको लेकर शिकायत दर्ज इन टीएमसी के सांसदों ने कराई है। इसके अलावा पार्थ चटर्जी का एक और बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि दरअसल ममता बनर्जी देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं और सभी ने इस घटना को लेकर चिंता व्यक्त की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का अभी तक कोई संदेश उनके इस घटना को लेकर नहीं आया है। यानी टीएमसी एक और बीजेपी पर साफ तौर पर यह निराधार आरोप लगा रही है, तमाम साजिशें रचने का आरोप लगाया जा रहा है, यहां तक कि ममता बनर्जी की हत्या का आरोप भी टीएमसी लगा रही है कि किस तरीके से ये साजिश रची गई थी। और दूसरी तरफ उम्मीद करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह उनके इस घटना को लेकर ट्वीट करेंगे। जाहिर तौर पर देखा गया है कि किस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह किस तरीके से अपमान किया है, उनके पद की गरिमा तक को ममता बनर्जी भूलती नजर आई है। और सवाल ये भी लोग उठा रहे हैं कि आखिर जब 80 साल की एक बुजुर्ग पर टीएमसी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में निशाना साधते हैं, जब उन्हें इस तरीके से चोटिल किया जाता है, तो ममता बनर्जी या फिर टीएमसी के किसी भी नेता का बयान क्यों नहीं आता है। तो ऐसे में ममता बनर्जी आखिर कैसे ये उम्मीद कर सकती है कि उनकी इस पूरी घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह देश के गृहमंत्री का बयान सामने आएगा। तो फिलहाल ममता बनर्जी के साथ हुई इस दुर्घटनाकांड के बाद अब इलेक्शन कमीशन का खेल पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया है। एक और बीजेपी इलेक्शन कमीशन अपनी शिकायत लेकर पहुंच रही है, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी के नेता अब इलेक्शन कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। और अभी 6 जो टीएमसी के सांसदों ने इलेक्शन कमीशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि दरअसल उच्च स्तरीय जांच इस पूरे घटना को लेकर होनी चाहिए, इसकी मांग की जा रही है और यही मांग बीजेपी भी कर रही है। लेकिन इसको लेकर सौगत राय जो कि टीएमसी के नेता है, उन्होंने दरअसल एक बार फिर से यही दोहराया है कि ममता बनर्जी के साथ साजिश हुई है। शुभेंदु अधिकारी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि दरअसल घटना के चश्मदीदों को डराया जा रहा है, तो लगातार बयानबाजी चरम सीमा पर है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। और ममता बनर्जी जो कि नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही हैं, वहीं से शुभेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी का एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी की ओर से उसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में यह मुकाबला बेहद कड़ा हो रहा है। और जाहिर सी बात है इसको लेकर टीएमसी जिस तरीके से घबराई हुई नजर आ रही है, तमाम नए नए तावपैच अब उनकी तरफ से तैयार किए जा रहे हैं और उसी कड़ी में जो घटना हुई है जिसको टीएमसी साजिश बता रही है वो देखी जा रही है। यही वजह है कि ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस पार्टी भी अब टीएमसी पर सवाल खड़ा कर रही है। तो जाहिर तौर पर नंदीग्राम में 1 अप्रैल को चुनाव होने वाला है, ऐसे में चुनाव की तारीख नजदीक है, ये एक हाई प्रोफाइल सीट इस बार बन चुकी है, जिस तरीके से ममता बनर्जी और दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में
नंदीग्राम में ही ये पूरा हादसा, ये पूरी दुर्घटना ममता बनर्जी के साथ हुई है। तो जाहिर तौर पर तमाम सवाल अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं, तमाम आरोप लगाती नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से सौगत राय अब लगातार तोड़ मरोड़ कर कहीं ना कहीं चीजों को पेश करते नजर आ रहे हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोलकाता में एक रैली के दौरान जब ये कहा गया था कि दरअसल नंदीग्राम में इस बार ममता बनर्जी का स्कूटर गिर जाएगा, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को लेकर उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से इस पूरी घटना को जोड़ने की कोशिश भी टीएमसी की ओर से की गई है। सौगत राय ने इसको लेकर भी सवाल उठाए हैं। तो इस तरीके से लगातार अब इलेक्शन कमीशन से लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन पर पहले भी ममता बनर्जी तमाम आरोप लगा चुकी है। जब 8 चरणों में मतदान की बात इलेक्शन कमीशन की ओर से कही गई थी तो उस वक्त भी साफ तौर पर यह कहा गया था कि दरअसल बीजेपी के इशारे पर ही इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। और एक बार फिर से वही चीजें टीएमसी की ओर से दोहराई जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम की जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए ममता बनर्जी ये लगातार तमाम पैतरे अपनाती नजर आ रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।